पलवल के जेसीबी मॉडर्न स्कूल में 12वीं क्लास स्टूडेंट्स के सम्मान में फेयरवेल पार्टी बड़े ही धूमधाम से आयोजित की गई। पास आउट होने का रहे स्टूडेंट्स के विदाई समारोह में अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सजे धजे छात्र छात्राओं ने राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी और हिंदी के फेमस सॉन्ग्स पर मनमोहक नृत्य कर खूब मस्ती की। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं लोकसभा फरीदाबाद सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार करण सिंह दलाल रहे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का स्कूल के प्रिंसिपल एस के शर्मा और कई अध्यापकों ने फूल मालाओं के साथ गुलदस्ता भेंट कर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्री दलाल ने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, स्कूल लाइफ के बाद अब कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो और अधिक जिम्मेदारी उनके कंधों पर आएंगी। आगे चलकर देश की बागडोर आपके हाथ होगी। आपको सत्य ईमानदारी पर चलते हुए अपने अध्यापकों, माता पिता का नाम रोशन करना है और देश को विकसित राष्ट्र बनाना होगा। फेयरवेल पार्टी में समाज सेवी पंडित चंद्रशेखर शर्मा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पलवल के पूर्व अध्यक्ष राजेश्वर गर्ग, पृथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रबल दावेदार डॉक्टर वीरेंद्र अलावलपुर, स्कूल की चेयरमैन मीना शर्मा, डायरेक्टर हितेन शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मोनित कुमार, साक्षी कुमारी और कशिश गांधी को दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल एस के शर्मा को उनके 38 साल के लंबे अध्यापन जीवन की बधाई दी गई और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए करण दलाल ने कहा कि प्रिंसिपल एस के शर्मा ने हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य बनाने में अहम योगदान दिया है। समाज इनका सदा ऋणी रहेगा। प्रिंसिपल एस के शर्मा ने सभी स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। शिक्षा की तरफ जब इनका पहला कदम होगा तो ये बच्चों के लिए भी बड़ा भावुक क्षण होता है
माँ बाप को भी अपने बच्चों से बड़ी उम्मीदें होती हैं और हमारे समाज के लिए भी बच्चे इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके और अपने जीवन को बनाने का जो प्रयास है उसे जारी रखें, तो उसमें समाज, शिक्षा संस्थाएं, माँ बाप और सभी वर्ग मिल करके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, जो आज राजेश्वर गर्ग जी हम सब ने यहाँ करके शुभकामनाएं बच्चों को दी। हाँ, ये एक बच्चे के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण साल होता है। आज तक ये बच्चे प्लस टू के बच्चे थे और इसके बाद अब ये बच्चे ना होकर जैसे ही यहाँ से स्कूल से निकलेंगे ये सभी लड़कियाँ महिला महाविद्यालय में चली जाएंगी, लड़के पुरुष महाविद्यालय में चले जाएंगे। आज से ये इनका जो बचपन है, इनके जो बचपन का जो प्रथम पाठ है, आज वो समाप्त हुआ है। इसके बाद ये द्वितीय चरण में, शिक्षा के भी द्वितीय चरण में और अपने अपने जीवन के भी द्वितीय चरण में कदम रखेंगे। तो ये फेयरवेल पार्टी जो होती है इनके जीवन का एक स्कूल का अध्याय समाप्त होने की खुशी में की जाती है। तो क्या शुभकामनाएं करना चाहते हैं हम? हमारी देखो, मैंने अपने स्पीच में कहा था शिक्षक और गुरु, शिक्षक शिक्षा देने के बाद, फीस लेने के बाद भूल जाता है, लेकिन मैंने अपने गुरुत्व का पूरा अपना मर्यादा निभाई है और मैं गुरु की भांति ही इनको पढ़ाता रहा हूँ। मैं जीवन भर इनके साथ जुड़ा रहूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना तो ईश्वर से करता ही करता हूँ और जहाँ भी मुझे मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी मैं तैयार रहूँ। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूरा नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।